जनसेवक मनय सिंह गुरोन द्वारा ऐसे तो समाज सेवा के क्षेत्र में अब तक अनेकों बार अनेकों काम कराए गए हैं। इसी तारतम्य में इस बार जनसेवक मनय सिंह द्वारा सागर जिले के बड़तुमा स्थित शिव मंदिर और चंडी माता मंदिर को जीर्णोद्धार कार्य शुरू कराया गया है। जनसेवक मनय सिंह जनसेवा के साथ सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के मामले में लगातार प्रयासरत है। इसी संबंध में जब आज जनसेवक मनय सिंह गुरोन और उनकी धर्मपत्नी लवप्रीत कौर से बात की गई तो उन्होंने बताया, वैसे आपके द्वारा अभी तक काफी सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, अभी आगे भी आपके द्वारा शिव मंदिर का, बड़तुमा स्थित शिव मंदिर का, उसके अलावा उजैन स्थित चंडी माता मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, तो मतलब कैसा महसूस करते हैं कार्य करा के, क्यों करा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैं बताऊँ कि मुझे पहले भी जो है बहुत गलत आरोपों के चक्कर में जो है यहाँ वहाँ के चक्कर काटने पड़े। मैंने बहुत गुहार लगाई मध्य प्रदेश प्रशासन से, पुलिस विभाग सागर से एवं राजस्व विभाग से, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। तब जब मैं भगवान की आराधना में बैठा, 3 दिन को जब मुझे जेल भेजा गया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान के बाद सिर्फ परिवार ही आपकी रक्षा और आपके काम आता है। बस उसी को मैंने अपना उद्देश्य और संकल्प बनाया कि जैसे मैंने कोरोना काल में बहुत लोगों की सेवा करी है, इस पुलिस विभाग की भी बहुत सेवा करी है जिसने मेरा आज तक कभी साथ नहीं दिया। उसके बाद जब मुझे ज्ञान हुआ कि भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही सब कुछ है, बस उसी का संकल्प लेते हुए जो है पहले मैंने जो है अंगड़ देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया, उसके बाद अब शिव मंदिर बड़तुमा स्थित का सौंदर्यीकरण हो रहा है, साथ ही साथ चंडी माता मंदिर का भी सौंदर्यीकरण जो है चालू हो गया है। और कल जैसे कि मैं हाई कोर्ट जबलपुर से वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि अपना तड़ा केसरी गाँव स्थित में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में, दयनीय नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बहुत ही ख़राब स्थिति में है, तो उनका सौंदर्यकरण के लिए जो भी सरकार को मुझसे सहयोग चाहिए पड़ेगा मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक और चीज़, जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से सुबुवाहट ऐसी मिल रही है कि शायद आप अपनी धर्मपत्नी के द्वारा, आपकी धर्मपत्नी राजनीति में शायद कदम रख सकते हैं, इसके बारे में ये बात कहाँ तक सही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूँ, जनसेवक रहूँगा। मैंने 15 से 20 साल कांग्रेस की बहुत सेवा करी, बहुत गुहार लगाई, लेकिन मैं जनसेवक हूँ। हमारी पीढ़ी में जनसेवक के रूप में काम किया गया है, जैसे माननीय डॉक्टर सतनाम सिंह जी, माननीय डॉक्टर गुरनाम सिंह जी, माननीय त्रिपत कौर जी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है मैं अपनी पत्नी जो है लवप्रीत कौर जी, उनको मैं जो है जनसेवक के रूप में जो है राजनीति में जनसेवक के रूप में उनको आगे कर रहा हूँ। थोड़ा सा लवप्रीत कौर जी से भी सुनना चाहेंगे कि जो राजनीति में उनका उदय होने की बातें जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ वहाँ चल रही हैं, ये बातें कहाँ तक सही हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक, जैसे कि मेरे ससुराल परिवार में मेरे नाना ससुर सतनाम सिंह जी और मेरे मम्मा पापा डॉक्टर गुरनाम सिंह त्रिपत कौर और मेरे हस्बैंड मनी सिंह ग्रॉन जनसेवा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वैसे ही मैं भी राजनीति में आकर जनसेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं। मैम, किस पार्टी को लेकर, किस पार्टी का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ने का मतलब सोच रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, जो मज़ा इंतज़ार में है वो दीदार में नहीं, इस बारे में अभी चर्चा चल रही है, तो जैसे ही कुछ भी डिक्लेरेशन होगी तो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। मैम, आज आप लोगों के वकील जो है मृणाल कांत पाठक जी, वो भी आज आप लोगों के साथ उपस्थित होने वाले थे, उनकी अनुपस्थिति का क्या कारण है? देखिए, वो अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से आज यहाँ पे नहीं आ पाए। मैम, जैसे आपके हस्बैंड जो है मनी सिंह गुरोन जी, इनके द्वारा फेसबुक पर कई कुछ पोस्टें की गई हैं जो न्याय को लेकर, हाईकोर्ट को लेकर है, तो इनके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मामला कोर्ट में चर्चा पर है और जो भी हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें हृदय से स्वीकार होगा। मतलब जैसे कि कुछ पोस्टों में हमने देखा कि न्याय को लेकर और हाई कोर्ट को लेकर आपकी कुछ फेसबुक पोस्टें आ रही हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे कि अभी मेरी अगानी ने बोला है कि जो भी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा हमें हृदय से स्वागत होगा उसका, क्योंकि सब जानते हैं कि झूठे आरोपों के तहत मुझे फंसाया गया है और मुझे हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमें इंसाफ की लड़ाई उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय तक ले जानी पड़ेगी तो हम ले जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24।